इधर विधानसभा चुनावों से पहले राजस्थान कांग्रेस में जारी घमासान ने आलाकमान की चिंता बढ़ा दी है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने वसुंधरा सरकार के समय में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामले में अपनी ही गहलोत सरकार के खिलाफ एक दिन का सांकेतिक अनशन किया। राजस्थान में गहरा रहे सियासी मुद्दे का हल निकालने के लिए गुरुवार को प्रदेश के प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने शीर्ष नेताओं के साथ मीटिंग की। इसी बीच गुरुवार को दिल्ली में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ, सचिन पायलट और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल की मुलाकात भी हुई और मतभेदों को सुलझाने के तरीकों पर चर्चा की गई है। खबर ये भी है कि कमलनाथ को गहलोत पायलट के मुद्दे को सुलझाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। इस मुलाकात के बाद वेणुगोपाल ने कहा है कि जब हम राजस्थान पर फैसला करेंगे तो सभी को जरूर बताएंगे।